सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट मीन्स क्या होता है, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है तो उसको अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आवर फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z-2, इज इट एनालिटिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन? ये फंक्शन एनालिटिक है क्या? पूरे होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस फंक्शन को एनालिटिक कह सकते हैं क्या? नहीं, एक्सेप्ट एट एट जेड इक्वल्स टू 2, सो एट जेड इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट को क्या है, सिंगुलैरिटी है, मतलब ये जो सिंगुलर पॉइंट मैं बताती हूँ ना, सो एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू 2, सो पूरे होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक है एक्सेप्ट एट 2। तो ये जो एक्सेप्ट एट 2 बता रहे हो ना, सो द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है जेड इक्वल्स टू 2 एट दिस पॉइंट और फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलैरिटी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 2 इज सिंगुलैरिटी फॉर आवर फंक्शन, सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। समझ में आ गया व्हाट इज सिंगुलैरिटी? यस यस मैम। अब देखो, ये अगर सिंगुलैरिटी वाला टर्म है, डेफिनेशन ऑफ सिंगुलैरिटी क्या होगी फिर? अ पॉइंट एट विच एफ ऑफ जेड फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज फेल्स टू बी एनालिटिक दैट मीन्स अ पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट का या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। अदरवाइज आप क्या कह सकते हैं, अदरवाइज सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। ना ये जो सिंगुलैरिटी है, जैसे हमारे फंक्शन एफ ऑफ जेड को यहाँ पे दिख रहा है एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू 2, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, सो जेड इक्वल्स टू 2 इज ए सिंगुलैरिटी फॉर आवर फंक्शन। बट समटाइम्स क्या होता है, हम सिंगुलैरिटी को दो स्पेशली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो सिंगुलैरिटी होती है ना, सिंगुलैरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट्स, वी आर डिवाइडिंग इन टू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इट इज आइसोलेटेड एंड सेकेंड इज नॉन आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आइसोलेट करना, तो हमने कोरोना में देखा है कि आइसोलेशन में रखते, तो आइसोलेशन मतलब क्या है, उसको अलग कर ट्रीट कर देना, मतलब उसको अलग से एक रूम में सेपरेट कर देते हैं। सो आप आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा कि जिसको आप सेपरेट ये कर रहे हैं। अब हमारे इसमें सिंगुलैरिटी के इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास में पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये जो फंक्शन मैंने प्रीवियस वाला एग्जाम्पल लिखा था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन z-2, ये जो फंक्शन है ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू 2। मतलब पूरे जो पॉइंट्स है वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का नेचर कैसा है, एनालिटिक, बट एक पॉइंट पे अलग है। सो किसी एक पॉइंट पे अगर अलग है तो सिंगल पॉइंट जब रहता है तो ये पॉइंट 2 और इसको हमने अगर इसके नेबरहुड में देखा तो सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट कैसा है, थोड़ा सा अलग हो गया। सो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जहाँ पे जिस
नेबरहुड के अंदर जो पॉइंट है उसके नेबरहुड के अंदर अगर वो एक ही ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर फंक्शन को प्रॉब्लम है, तो देन दिस पॉइंट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. यस, क्लियर हुआ व्हाट इज आइसोलेटेड? जिस अगर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट सिंगुलैरिटी है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप स्मॉलेस्ट रेडियस लेके नेबरहुड ड्रॉ करते हो, तो टू इज ए पॉइंट और इसका स्मॉलेस्ट नेबरहुड अगर ड्रॉ करते हो, तो एक्चुअली फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम है? सिर्फ टू पे प्रॉब्लम है. मतलब पूरे पॉइंट्स जो है वो क्या करेंगे, एनालिटिक की कंडीशन को होल्ड करेंगे. तो फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट. और ये एक अलग पॉइंट कौन दिख रहा है? जो अलग दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड. सो दिस टू के ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक, सो इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. समझ में आ रहा है व्हाट इज आइसोलेटेड? यस मैम. मैम यहाँ पे यानी कि z की वैल्यू 2 है, अगर मैम यहाँ पे इससे ज्यादा फंक्शन रहते तो 1 अपॉन z माइनस 2. हाँ, मैं बताती हूँ वैसे क्या करना है. देखो, जब आप ये सिंगुलैरिटी का आइसोलेटेड की बात करते हैं ना, तो मैंने एक क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर पूरे एक रूम में पूरे पागल लोग भरे हुए हैं और उसमें एक ही अच्छा इंसान है जिसको सब कुछ समझ में आता है, और पूरे पागल में एक ही अच्छा है, तो वो एक कैसा होगा? अलग होगा. तो उसको क्या कहेंगे हम? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. तो यही आइसोलेटेड मतलब जो अलग दिखेगा. ओके, सो ये अगर इनकेस आपके एग्जाम्पल में ऐसा फंक्शन रहा है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3. अब इस फंक्शन के लिए कौन सी सिंगुलैरिटी है? जेड इक्वल्स टू 1, 2, 3. इज इट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? नहीं, इट इज ऑल्सो आइसोलेटेड. अब क्यों आइसोलेटेड है? क्योंकि आप रियल लाइन के ऊपर, ये पॉइंट रियल लाइन नहीं है, एक्चुअली हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है. सो यहाँ पे मैं रियल लाइन से समझाती हूँ. सपोज आपका पॉइंट है यहाँ पे 1, 2, 3. अगर ये पॉइंट आपके पास में है, सो दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, एंड इस वन पॉइंट के ऊपर क्या ये पॉसिबल है कि आप ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जिसमें ये 2 और 3 पॉइंट ना आए? तो यस, इट इज पॉसिबल. आपको क्या ढूंढना है कि आप जितना चाहे उतना स्मॉल रेडियस निकाल सकते हैं. तो स्मॉल लेने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो 1 के करस्पॉन्डिंग ऐसा एक स्मॉल रेडियस निकालो सर्कल कि जिसमें ये 2 और 3 इंक्लूड ना हो, तो ये पॉसिबल है. तो 2 और 3 के बीच में बहुत गैप है. 1 और 2 के बीच में भी क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं. तो इनके वजह से क्या कर सकते हैं हम? तो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस विच कंटेन पॉइंट 1 बट नॉट द अदर पॉइंट? तो वैसे ही 3, 2 इनके लिए भी पॉसिबल है. तो इनके नेबरहुड में क्या होगा कि ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो देखो ये सर्कल के अंदर सिर्फ 2 कंटेन है, इस सर्कल के अंदर सिर्फ 3 कंटेन है, बाकी के सिंगुलैरिटी नहीं है. सो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इनके करस्पॉन्डिंग हम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस सर्कल के अंदर सिर्फ वही पॉइंट है, उनके सिवा बाहर का कोई पॉइंट नहीं है. इज इट क्लियर? सो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएंगे, दिस ऑल आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. अगर ये सारे ही आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो फिर कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? तो फिर नॉन आइसोलेटेड किसे बोलेंगे? अगर ऐसा है तो हमने तो नॉन आइसोलेटेड कभी देखा ही नहीं है. अब नॉन आइसोलेटेड का मैं एग्जांपल देती हूँ कि नॉन आइसोलेटेड भी पॉसिबल है. जैसे अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज अवर फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू टैन जेड. अभी तक के हमने ऐसा कोई एग्जांपल देखा ही नहीं था, दैट्स वाई हमें नॉन आइसोलेटेड के बारे में पता नहीं. अगर टैन जेड आपने लिख दिया तो वी कैन राइट इट इज ए साइन जेड अपॉन कॉस जेड. अब मुझे बताओ इस फंक्शन के कब एनालिटिक नहीं हो सकता? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इफ दिस डिवीजन टर्म इज जीरो. अगर डिवीजन टर्म जीरो हो गया तो देन आवर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. अब कॉस जीरो कब होता है? ये करेक्ट बताया था, इट इज एट पाई बाय 2. तो प्लस माइनस पाई बाय 2 कॉस इज जीरो. वैसे ही इस पाई बाय 2 में पाई ऐड करो तो पाई बाय 2 प्लस पाई, तो इट इज ए 3 पाई बाय 2. आवर कॉस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 कॉस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाय 2 सिमिलरली
प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, इन सारे इसके ऊपर कॉस का वैल्यू जीरो है, करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही इस टर्म में आप पाई 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 ऐड करते जाओगे तो आप तो पाई ऐड करना इनफाइनाइट तक के चलता रहेगा। यस ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो, अब पाई बाय टू एक ही बार आ रहा है, माइनस पाई बाय टू एक ही बार आ रहा है, और पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू अगर आप रियल लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट भी कर दोगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी कैन ड्रॉ द नेबरहुड विच कंटेन ओनली पाई बाय टू बट नॉट द अदर पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, इनका भी ये पॉसिबल है कि आप इस यहाँ इसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी है। मतलब ये जो है ना, इट इज ए इनफाइनाइट पॉइंट है एंड ये ऑल आर आइसोलेटेड, ऑल आर द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी। बट इफ यू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सिंगुलैरिटी, ये कितने सिंगुलैरिटी है, देर आर इनफाइनाइट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय टू, और इसी पाई में हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय टू के अंदर पाई को ऐड करते जा रहे, तो वी कैन ऐड एन टाइम्स पाई, वी आर एन इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो हियर जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय टू प्लस एन पाई, वी आर एन इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आर ऑल आर द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नाउ इफ यू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सिंगुलैरिटी, ये क्या हो रहा है, वी गेट द सिक्वेंस ऑफ सिंगुलैरिटी। मतलब जैसे जैसे एन का वैल्यू चेंज होते जाएगा तो ऐसे यहाँ पे एक सिक्वेंस बनती जाएगी, दिस इज अवर सिक्वेंस ऑफ सिंगुलैरिटी। और इनका अगर आप लिमिट पॉइंट निकालते हो तो टेक लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस पाई बाय टू प्लस एन पाई, तो वी गेट इट इज ए इन्फिनिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिर्फ एक ही इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये प्लस माइनस भले ही रहेगा बट इसका लिमिट का आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। अब ये जो लिमिट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया है, ये क्या है, जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सिंगुलैरिटी। सो लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, तो ये अगर लिमिट पॉइंट है तो ये लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, इसके नेबरहुड में इसके सिवा कोई तो भी अदर सिंगुलैरिटी, ये इस सीक्वेंस का हमने पॉइंट लिमिट पॉइंट बताया ना, तो इस सीक्वेंस का एटलीस्ट वन पॉइंट इस पॉइंट के नेबरहुड में कंटेन होगा, तभी जाके ये क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। सो दिस जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड ए नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, क्योंकि ये उसके नेबरहुड में अकेला नहीं रहेगा, जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी इसके नेबरहुड में ये अकेला नहीं है, इसके अंदर इसके नेबरहुड में कितना भी स्मॉल रेडियस लोगे तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, और ये अगर अकेला नहीं है तो मतलब ये आइसोलेटेड नहीं है, सो इट इज कॉल्ड ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इस तरह से हम नॉन आइसोलेटेड को देखते हैं। मैं एक और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सो ये आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इस टाइप का लेते हो, मैं एक नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, सी हियर, बट इफ वी टेक टैन ऑफ 1/z, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन 1/z डिवाइडेड बाय कॉस 1/z। अब ये फंक्शन मैं पूछ रही हूँ आपको कि व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, कब एनालिटिक नहीं रहता फंक्शन, जब ये डिवीजन का टर्म जीरो होता है, करेक्ट? यस यस मैम। सो कब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इफ आवर डिवीजन टर्म इज जीरो। अब कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो कब होता है, जब ये एंगल, एंगल कितना है इसका, 1/z है, जब ये एंगल प्लस माइनस पाई बाय टू रहेगा, या फिर प्लस माइनस 3π/2, या फिर प्लस माइनस इसमें पाई ऐड करते जाओ, फिर से पाई ऐड करोगे तो इट इज ए 5π/2, ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसका मतलब है ये क्या है, शॉर्ट में लिखोगे तो प्लस माइनस ये पाई बाय टू, और इस पाई बाय टू में आप क्या कर रहे हो, पाई ऐड करते जा रहे हो, पहले एक बार ऐड किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, मतलब यहाँ पे एन अगर लिखते हैं तो एन का वैल्यू क्या होगा, 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो एन का वैल्यू जीरो तो क्या आएगा, पाई बाय टू, एन का वैल्यू वन
तो वी गेट 3π/2। तो ये जो एंड सो ऑन लिखा है ना, इसी को शॉर्ट में ये टर्म लिखती हूँ। ओके, अब मुझे ये 1/z इक्वल्स टू मिल गया, मुझे चाहिए z इक्वल्स टू। तो 1/z अगर ये टर्म है तो वॉट अबाउट द z इक्वल्स टू, टेकिंग रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। z इक्वल्स टू अगर आपको चाहिए तो वी राइट इट इज ए 1/ ये प्लस माइनस π/2 प्लस एन, वेयर एन इज अवर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये कितने पॉइंट मिल गया ऐसे सिंगुलैरिटीज, कोई बता सकता है यहाँ पे कितनी सिंगुलैरिटीज है? इनफाइनाइट। वेरी गुड, इट इज ए इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी। अगर ये इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी है तो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा है, ये अगर ऐसे ही n की वैल्यूज बढ़ती जाएगी तो ये टेंडिंग टूवर्ड कौन से पॉइंट पे कॉन्वर्ज होगा? ये अगर ऐसे ही बढ़ाते जाओगे n को तो इंक्रीज कर रहे हो ना, यहाँ पे n का वैल्यू पहले क्या है 0, फिर n का वैल्यू कितना है 2, है ना? यस, समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ। तो आप n की वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आपके पास में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी गेट द सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस है यहाँ पे? पहला पॉइंट है प्लस माइनस 1/π/2, फिर दूसरा पॉइंट प्लस माइनस 1/3π/2। जब n की वैल्यू 1 पुट किए तो ये क्या हो गया 3π/2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? वन अपॉन प्लस माइनस 5π/2, करेक्ट? यस मैम। तो आप किसका वैल्यू बढ़ा रहे हो, n का? यस मैम। अब मुझे बताओ इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा तो लास्ट में कहाँ पे जाके रुकेगा? तो ये जो है ना सिंगुलैरिटी, सीक्वेंस ऑफ सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटीज इज कॉन्वर्ज टू 0। 0 पे कॉन्वर्ज होगा, वो धीरे धीरे करके 0 की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? देखो आपका z का वैल्यू क्या आ गया है, जनरल फॉर्म में हमने क्या लिखा है, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/π/2 प्लस n पाई, यही लिखा है हमने। पाई बाय टू में हम पाई ऐड करते जा रहे हैं ना, तो कितनी बार n पाई बाय टू, और n कैसा है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो अगर ये ऐसा ही n बढ़ते जाएगा वैल्यू, n का वैल्यू धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे इंक्रीज होने का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगा। सो अगर हम लेते हैं लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी तो वी गेट प्लस माइनस π/2 प्लस n पाई। अब n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/∞ कितना आता है आंसर? 0। सो इसका मतलब है ये जो ऐसे ही n अगर बढ़ते जाएगा तो ये सीक्वेंस कहाँ पे कॉन्वर्ज होगी? तो ये अपने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में पढ़ा होगा कि इट इज ए सीक्वेंस एंड इट कॉन्वर्ज टू 0। तो ये कहाँ पे जा रही है? 0। और कॉन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्ज होना 0 पे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 0 का नेबरहुड है, इन ए नेबरहुड ऑफ 0 देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट कंटेन अदर देन 0 विच इज ए पार्ट ऑफ दिस सेट। मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ सिंगुलैरिटीज कंटेन की है ना आपने, तो इन सिंगुलैरिटीज का कलेक्शन में से इस 0 का नेबरहुड, कितना भी ट्राई करो छोटा रेडियस लेने का, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आपके पास में सिर्फ 0 कंटेन होगा उस सिंगुलैरिटी में, क्योंकि ये कॉन्वर्ज है। अगर कोई सीक्वेंस इस पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपने लिखा हुआ सीक्वेंस है उस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में देयर इज कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन 0। और अगर एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन 0 कंटेन होता है तो मतलब वो आइसोलेटेड नहीं हुआ। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करो कि जिसमें वही पॉइंट हो, उसके सिवा कोई पॉइंट ना हो। सो यहाँ पे 1 के सिवा कोई सिंगुलैरिटी इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे 2 का नेबरहुड हमने क्या किया, 0.5 रेडियस लेके, सपोज सेंटर इज 2 एंड रेडियस इज 0.5, तो देर इज पॉसिबिलिटी दैट वी कैन ड्रॉ द सर्कल विच कंटेन सिंपली 2 बट नॉट द अदर सिंगुलैरिटी। सो इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड।
बट इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, ये धीरे धीरे करके टुवर्ड द जीरो जा रहे, और जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब जीरो के नेबरहुड में, इनफाइनाइट जीरो के नेबरहुड में एटलीस्ट वन सिंगुलैरिटी कंटेन होगी अदर देन दिस जीरो. सो दिस इम्प्लाई ये जेड इक्वल्स टू जीरो आ गया ना. सो जेड इक्वल्स टू जीरो इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. समझ में आया कि ये एग्जाम्पल जिसका लिमिट आता है ना उसके अंदर मोर देन वन पॉइंट कंटेन होता है, मतलब जीरो के सिवा दूसरा पॉइंट कंटेन होता है. अब आपको सीक्वेंस सीरीज आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा नहीं होगा शायद, इसलिए आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा. ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि ये जो आपने कलेक्शन किया हुआ सेट है ना, मतलब ये z इक्वल्स टू, देयरफॉर z इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अपॉन पाई बाय टू प्लस एन पाई, वेयर एन इज जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन. ये जो सिंगुलैरिटीज है ना ऑल आर आइसोलेटेड, बट जेड इक्वल्स टू जीरो इज नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही आ रहा है दैट इज अ जीरो. तो वो एक ही पॉइंट जीरो इज द लिमिट पॉइंट, दैट मीन्स इट इज द ओनली नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. तो जो लिमिट का आंसर आता है वो होता है नॉन आइसोलेटेड, बाकी सब आइसोलेटेड. सो ये हमने क्या देखा कि हमारे पास में ना सिंगुलैरिटीज है और इसको हमने स्पेशली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये सिंगुलैरिटीज क्या हो रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. एक होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड. अब ये आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड में भी फर्दर टाइप्स होते हैं. आइसोलेटेड में एग्जाम्पल करके ये याद रखना, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू. इसमें कैसे ये जो डिवीजन में टर्म है तो वन और टू के बीच में गैप है, वन का 1.5 रेडियस लेके अगर ड्रॉ करते सर्कल तो इट इज आइसोलेटेड. और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या याद रखोगे, टैन ऑफ वन बाय जेड. सो हियर जीरो इज, जेड इक्वल्स टू जीरो इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. अब इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये है तीन पार्ट्स में डिवाइड, आइसोलेटेड डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. स्पेशली जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ पोल, जो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में किए. सो इट इज ए पोल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड पोल सिंगुलैरिटी. तो पोल एक टाइप हो गया. दूसरा जो टाइप है वो है आपका रिमूवेबल, एंड तीसरा टाइप है इसेंशियल सिंगुलैरिटी. ये ऐसे तीन टाइप के, एक है पोल, रिमूवेबल एंड इसेंशियल. और ये जो नॉन आइसोलेटेड है ना, इस नॉन आइसोलेटेड का एक ही टाइप है और वो है इसेंशियल. ये वाला इसेंशियल अलग है, ये कैसा है आइसोलेटेड इसेंशियल है, और ये कैसा है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल. तो इसेंशियल तो है लेकिन वो नॉन आइसोलेटेड है, और ये आइसोलेटेड इसेंशियल. अब मैं एक एक इसमें से एक एक टाइप बताती हूँ कि पोल क्या होता है, रिमूवेबल क्या होता है और इसेंशियल. सो व्हाट इज ए पोल टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, तो अगेन मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम उसका डेफिनेशन देखेंगे और लास्ट में हम सारे इसके कंबाइंड एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है. सो ये पोल को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. अभी तक के हमने जितने भी एग्जाम्पल किए तो मैंने आपको एक ही चीज़ पूछा है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू अगर फंक्शन है
तो इसकी सिंगुलैरिटी बताओ। तो हमने इंटीग्रेशन के टाइम पे बहुत बार किया, अगर ये वाला टर्म है बताओ इसकी सिंगुलैरिटीज कौन सी है। टू एंड थ्री, सो एफ ऑफ जेड हैज सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू टू ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू कहां से आ गया, इसका ब्रैकेट का पावर एंड ऑल्सो एफ ऑफ जेड एज सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू थ्री। सो एफ ऑफ जेड हैज सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू थ्री ऑफ ऑर्डर वन। अब देखो इसका आप ऑर्डर बता सकते हो, भले ही वो कुछ भी आंसर आए, ऑर्डर आपके पास में फाइव हो सकता है, थ्री हो सकता है, हंड्रेड हो सकता है, ये ब्रैकेट का पावर थाउजेंड भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया जेड माइनस सपोज फाइव रेस टू पावर हंड्रेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हैज सिंगुलैरिटी ऑफ एट जेड इक्वल्स टू फाइव ऑफ ऑर्डर हंड्रेड। अब जब आप लोग ऑर्डर बता सकते हो तो मतलब अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो देन दिस टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी इज कॉल्ड पोल सिंगुलैरिटी। जिस किसी सिंगुलैरिटी का पावर आपको पता है उस टाइप के सिंगुलैरिटी को क्या कहेंगे, डिवीजन में अगर इस टाइप की सिंगुलैरिटी है तो दैट इज कॉल्ड पोल सिंगुलैरिटी। अब पोल में क्या हो जाएगा, तो ये सारी की सारी कौन सी सिंगुलैरिटी है, सो जेड इक्वल्स टू टू थ्री फाइव आर पोल्स। ये पोल टाइप की सिंगुलैरिटी है और जिसका ऑर्डर वन होता है उसको बोलते हैं हम सिंपल पोल। सो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या कर दिया, ऑर्डर अगर वन है, जैसे हमारा जेड इक्वल्स टू थ्री वाला, देखो जेड इक्वल्स टू थ्री पोल है, देखो जेड इक्वल्स टू थ्री इज ए सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर कितना है वन। इफ द ऑर्डर इज वन देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल पोल, इसको बोलते हैं सिंपल पोल। अगर ऑर्डर वन है तो देन इट इज कॉल्ड सिंपल पोल। अगर ऑर्डर वन से कुछ ज्यादा है, मतलब टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, हंड्रेड हो गया, तो इनको सिंपली क्या आप कहेंगे, दिस आर द सिंपली पोल्स। वन ऑर्डर है तो सिंपल पोल और बाकी के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, इट इज कॉल्ड अ सिंपली पोल। सो ये होता है पोल। तो किसी एग्जाम्पल में पोल को फाइंड आउट करना है तो जस्ट चेक करो कि इस फंक्शन का डिविजन का टर्म कौन सा जीरो हो रहा है, इसका पावर फाइनाइट है तो देन इट इज कॉल्ड अ पोल। अब पोल को अगर आपको डिफाइन करना है तो डेफिनेशन ऑफ पोल अगर याद रखना होगा तो हियर इफ वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, इफ वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट लिमिट z टेंस टू a z माइनस a रेस टू पावर n f ऑफ z इज इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड ए पोल ऑफ ऑर्डर n। ये है मेन डेफिनेशन ऑफ पोल। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग कभी नहीं जाना क्योंकि इस डेफिनेशन का ही यूज करके एक्चुअली हम पोल निकालते हैं, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना इस एग्जांपल के अंदर कौन से पोल है तो ऐसे ही निकालना, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली डेफिनेशन को होल्ड करते हैं। मैं डेफिनेशन के हेल्प से आपको सॉल्व करके दिखा दियो लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। सो सीधा एग्जाम्पल इज सपोज आपके पास में एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लिखा है, f of z equals to z minus 2, z minus 3. इसके पास में पोल कौन से, 2 and 3। तो हम तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि दिस फंक्शन हैज पोल 2 and 3 और वो कैसे है, ऑर्डर 1 के, तो इट इज ए सिंपल पोल।
अब मुझे अगर इनके डेफिनेशन के हिसाब से करना है तो इनका कहना क्या है कि ऐसा पॉइंट मतलब हियर इफ वी टेक द लिमिट जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू फंक्शन को अगर आप कोई ऐसा मल्टीप्लाई करके उस पॉइंट को हटा सकते हैं क्या चेक करो. तो ये जेड माइनस टू इज ए सिंगुलैरिटी, जेड इज इक्वल्स टू टू ये हमारा सिंगुलैरिटी था तो इसको हटा सकते हैं क्या चेक करो. तो हम ये z माइनस टू ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमने एक फाइनाइट ऑर्डर वाला एक पावर लिया, मतलब इस ब्रैकेट से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जिसका पावर कैसा होगा, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे ब्रैकेट का पावर है 1, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ n विच इज ए पॉजिटिव एंड फाइनाइट. सो इसके अगर कैंसिल आउट करते तो इस लिमिट का आंसर आएगा 1/-1, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया. सो वी कैन से लिमिट इज एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 2 इज 4. वैसे ही दूसरी सिंगुलैरिटी कौन सी है, जेड इक्वल्स टू 3. अब 3 को भी हटा सकते हैं कि यहाँ पे चेक करो, मतलब जेड माइनस 1 का कोई ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो यस वी कैन टेक लिमिट जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3 1/z-2 z-3. अगर इसका ब्रैकेट का स्क्वायर रहता था तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लेते थे और इसको कैंसिल कर देते थे, तो कैंसिल करना पॉसिबल है, तो आंसर इज 1. सो लिमिट इज एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल्स टू 0, तो अगेन z इक्वल्स टू 3 इज 4. तो ये ऐसे निकालते डेफिनेशन की हेल्प से. अब देखो सेकेंड जो है, सेकेंड टाइप इज, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है इट इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का एग्जांपल अगर लेते हैं तो सपोज आपके पास में एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड. टेल मी द सिंगुलैरिटी फॉर दिस फंक्शन, कौन सी सिंगुलैरिटी इस फंक्शन के लिए. जीरो, जेड इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ जेड has singularity at z equals to 0. But इसको कोई problem नहीं है, z equals to 0 पे भले ही उसको singularity है, but if we take the limit, अगर हमारा z tending toward the 0 हो जाता है, भले ही वो कितना भी 0 के नजदीक चला जाए, still our answer is exist. कितना आता है, limit z tends to 0 sin z by z is 1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो गया. भले ही ये पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन नॉट एनालिटिक है तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे तो लिमिट लेने के बाद में एग्जिस्ट होता है. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. ये वाला एग्जाम्पल बस याद रखना कि साइन जेड अपॉन जेड इसका कौन सा सिंगुलैरिटी है, तो इट हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू 0. नाउ हियर इसका डेफिनेशन क्या होगा फिर, तो डेफिनेशन क्या कहेंगे कि अगर हम किसी पॉइंट को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोलते हैं तो उस पॉइंट पे लिमिट क्या होना चाहिए, एट दैट पॉइंट लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट. अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो देन इट इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. सो द डेफिनेशन इज द सिंगुलर point z equals to a is called a removable singularity of f of z if limit z tends to a एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट. अगर हमने लिमिट अप्लाई किया जेड टेंस टू एफ ऑफ जेड एंड इफ इट इज ए एग्जिस्ट तो देन वी कैन से इट इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. एंड नेक्स्ट रहता है इसेंशियल सिंगुलैरिटी. इसेंशियल का टाइप कैसे ढूंढोगे, इसेंशियल को अगर आपको देखना है कि किसी फंक्शन में इसेंशियल है कि नहीं है तो कैसे पता चलेगा. तो सपोज आपके पास में फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, अब इसेंशियल का टाइप के लिए
यहाँ पे आपको इसके इस तरह का एक फंक्शन लिखा है, सपोज ई रेस टू पावर 1/z। नाउ इस फंक्शन को कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन ई रेस टू पावर 1/z, इसको कहाँ पे प्रॉब्लम है? जीरो पे भी प्रॉब्लम है ना? इन्फिनिटी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, क्योंकि आप अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं वन आएगा, तो वही बोलना था कि 1/0 इन्फिनिटी। तो आपका ई का पावर इन्फिनिटी होने के लिए मतलब जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। सो इस फंक्शन में प्रॉब्लम कहाँ पे? जब ये डिवीजन का टर्म ई के पावर में जो 1/z है, ये अगर जीरो हो गया, सो इफ जेड इज जीरो, जेड की वैल्यू जीरो, तो ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, मतलब जेड इक्वल्स टू जीरो इज द सिंगुलैरिटी फॉर अवर फंक्शन। तो ये जेड इक्वल्स टू जीरो इज सिंगुलैरिटी। अगर ये जेड इक्वल्स टू जीरो सिंगुलैरिटी है, अब इसका टाइप ढूंढना है हमें, कौन से टाइप का? नाउ सी हियर, ये जो ई रेस टू पावर जेड है, इसको हम सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं। ई रेस टू पावर एक्स का सीरीज होता है 1 + x + x² / 2 + x³ / 3 एंड सो ऑन। अगर ये एक्सपांड हो सकता है, तो ये एक्स के जगह पे 1/z है, सो इट इज 1 + 1/z + 1/2 / z² + 1/3 / z³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि टेक द डिग्री, डिग्री क्या होता है फंक्शन का, यहाँ पे पोल के टाइम पे आपने बता दिए थे कि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, बट इसमें तो हाईएस्ट पावर ऑफ जेड निकालोगे तो वो तो अप टू इन्फिनिटी तक के जा रहे हैं। सो ऐसा जब आपके पास में एक्सपांशन आता है, तो इस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि ये जेड इक्वल्स टू जीरो इज एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्लियर? यस, इसेंशियल सिंगुलैरिटी समझ में आ गया? हम एक बार बताएंगे। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आपके पास में f ऑफ z इक्वल्स टू अगर है e रेस्ट टू पावर 1/z - 2। अब मुझे बताओ इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे? व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, एट 2 पे। सो अगर z इक्वल्स टू 2 हो गया, तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, मतलब z इक्वल्स टू 2 इज ए सिंगुलैरिटी। अगर ये सिंगुलर पॉइंट है, तो ये जो पावर है, इसका पावर आप यहाँ पे बता नहीं सकते, क्योंकि ये e के पावर में बैठा है, और e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड हो जाएगा। तो इसका सीरीज फॉर्म एक्सपांड करोगे तो ये कैसे होगा, 1, फिर यहाँ पे आएगा 1/z - 2, नेक्स्ट टर्म इज 1/2 × 1/z - 2² ऐसे ये चलता रहेगा, मतलब ये अप टू इन्फिनिटी तक के जाएगा, तो ऐसे पावर इसका बढ़ते जाएगा ना। तो जो कोई टर्म ऐसे सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड होती है, तो देखो इस फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम है, एट 2 पे, क्योंकि ये डिवीजन में 2 है, तो डिवीजन में जेड माइनस 2 है, तो ये जीरो पुट करने से इन्फिनिटी होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू 2, मतलब जेड इक्वल्स टू 2 इज ए सिंगुलैरिटी, और ये ऐसे सीरीज के फॉर्म में अप टू इन्फिनिटी तक के चला जाएगा। ये अगर अप टू इन्फिनिटी तक के जा रहा है, मतलब इसका पावर अगर अप टू इन्फिनिटी तक के आ रहा है, सो दिस इम्प्लाय ऐसे टाइप का जो रहता है, इसको बोलते हैं हम इसेंशियल। तो इफ अवर सिंगुलैरिटी इज नॉट नॉट रिमूवेबल, इफ अवर सिंगुलैरिटी इज नाइदर रिमूवेबल नॉट पोल, देन इट इज कॉल्ड द इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इफ ए सिंगुलैरिटी is neither pole nor removable, if a singularity is neither pole nor removable, then
इट इज कॉल्ड essential singularity. अगर कोई सिंगुलैरिटी पोल भी नहीं है, रिमूवेबल नहीं है, तो फिर वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा. अब देखो, पोल के लिए क्या होना चाहिए, पावर फाइनाइट होना चाहिए. यहाँ पे तो पावर इन्फिनिटी तक के जा रहा है, तो ये डिवीजन में तो है, लेकिन यहाँ पे पावर इन्फिनिटी तक के जा रहा है, तो फाइनाइट पावर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पोल. और रिमूवेबल क्या कहता है कि अगर किसी सिंगुलैरिटी को रिमूवेबल बता रहे हो, तो उस पॉइंट लिमिट टेंस टू क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए. बट अगर हम यहाँ पे लिमिट एज जेड टेंस टू टू लेते हैं, तो इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू टू इज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर. सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है और फाइनाइट पावर भी नहीं है, तो ना तो ये रिमूवेबल है ना तो ये पोल है, दैट्स वाई इट इज ए इसेंशियल. समझ में आ गए सारे टाइप. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैम, वो नॉन आइसोलेटेड का वो रही है ना आइसोलेटेड इसेंशियल, ये वाला. मैं इसको अभी एग्जाम्पल में डिस्कस करती हूँ, ठीक है. इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल जब कुछ भी टाइप ना बचे, इफ आवर सिंगुलैरिटी इज नॉट आइसोलेटेड, इसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इतना ही लिखा है. इफ द सिंगुलैरिटी इज नॉट आइसोलेटेड देन इट इज कॉल्ड ए नॉन आइसोलेटेड. और नॉन आइसोलेटेड का वैसे भी एक ही टाइप है, इसलिए इसका सेपरेट डेफिनेशन नहीं है. एग्जाम्पल इज सो ये गिवन फंक्शन को कहाँ पे सिंगुलैरिटी है, या ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कि एट जेड इक्वल्स टू ए पे और एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे सिंगुलैरिटी है. बट आपको बस उसके टाइप कौन सा है वो बताना है कि सबसे पहले तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई सिंगुलैरिटी गिवन नहीं है, तो आपको सिंगुलैरिटी कौन सी है वो चेक करना है. गिवन जो फंक्शन है, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे, व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे. सो हियर आवर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉट पाई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर. सो व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, बताओ तो कहाँ पे नहीं होगा एनालिटिक, z equals to a, और बस इतना ही रहेगा. तो we can write this cot as a cos divided by sin, है ना. ये जो cot वाला टर्म है, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos divided by sin. अब दिख रहा है डिवीजन में दो टर्म है करके. सो ये yes, अब इसके बारे में बताओ कि तो ये फंक्शन कब एनालिटिक नहीं रहेगा, जब डिवीजन का टर्म क्या होगा, जीरो होगा. तो ये जीरो रहा तो भी प्रॉब्लम है उसको, और ये जेड माइनस ए का टर्म जीरो रहा तो भी प्रॉब्लम है. ये जेड माइनस ए से तो हम बता देंगे कि इज जेड इक्वल्स टू ए, और इसका साइन जीरो कब होता है. सो साइन जीरो कब होता है, जीरो. और कहाँ पे होता है, एंगल अगर जीरो है तब ये साइन जीरो इज जीरो. इसमें पाई ऐड कर दो, तो पाई ऐड करोगे तो ये होगा पाई. हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा है ना, मैंने ये आपको बताया नहीं था कि साइन एन पाई इज जीरो. साइन एनी पाई अगर लिखते हैं, एन इज एनी इंटीजर, तो स्टिल इट इज ए जीरो. यस, साइन का वैल्यू एट एन पाई, एन इज ए इंटीजर, तो एन अगर इंटीजर है तो इट इज ए जीरो. हमने ये शायद बताया था ना इसका, ये जाने दो भी, ये याद रखो इसके आगे से. सो ये अगर ये जीरो है तो इसमें कितना भी पाई ऐड करते जाओ, तो साइन जीरो पे जीरो है, साइन पाई पे भी जीरो है, साइन टू पाई पे भी जीरो है, साइन थ्री पाई इज अगेन जीरो, एंड सो ऑन. इसका मतलब क्या हो गया कि इफ दिस पाई जेड इज प्लस माइनस एन पाई, देन आवर साइन इज जीरो, वेयर एन इज
where n is 0, 1, 2 and so on. So, हमें क्या चाहिए? Z equals to. तो यहाँ से Z equals to क्या रहेगा? Plus minus n, where n is 0, 1, 2 and so on. So, ये जो Z की value है. So, if our Z is integer, तो then our function is not analytic. जैसे ही ये n Z का value कोई भी integer हो जाएगा, तो then this division term is 0, function is not analytic. तो एक तो problem है Z equals to a पे, और दूसरा प्रॉब्लम है z इक्वल्स टू n पे, मतलब इंटीजर पे. ओके, यहां तक के किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? यस? नहीं मैम. अब मुझे बताओ, ये n की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, मतलब ये सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है. सीक्वेंस कैसा है? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसे ये सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है. तो इसका लिमिट क्या आएगा? अगर हम इसका लिमिट निकालते हैं, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस एन जेड इक्वल्स टू, क्या आएगा इसका आंसर? जीरो. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा ना. वन अपॉन में थोड़ी ना ये एन, ये तो यहाँ पे yes, तो इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी क्या है? इसका लिमिट है, मतलब सीक्वेंस कॉन्वर्ज कहाँ पे हो रही? इन्फिनिटी. और सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी पे कॉन्वर्ज होती है, तो वो कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी रहती है? यस, जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये एक्चुअली कहाँ से मिला? बाय टेकिंग द लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. तो ये जो सिंगुलैरिटीज थी, हमें पता चल गया था कि सिंगुलैरिटीज आर प्लस माइनस एन, और अगर उस सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट है इन्फिनिटी, येट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटीज. हमारे सिंगुलैरिटीज है ये वाले, और उसका लिमिट पॉइंट है. तो ये जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज नॉन आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड में एक ही टाइप है, दैट इज एसेंशियल. तो इट इज ए नॉन आइसोलेटेड essential singularity.